इंदौर में दो दिन पहले गुरुवार को बाणगंगा थाना क्षेत्र में रेवती रेंज सावे रोड स्थित एलन सिटी कॉलेज के एक गार्ड का रक्त रंजित शव मिला था। उस दौरान पुलिस ने मृतक गार्ड के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मर्ग कायम किया था, लेकिन जिस तरह से मृतक के सर पर चोटें आई थी उससे प्रतीत हो रहा था कि गार्ड की हत्या की गई है। इसके बाद बिना सबूत और साक्ष्य के अभाव में पुलिस के लिए मर्डर मिस्ट्री को सुलझाना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था, लेकिन बाद में आसपास के सीसीटीवी और अन्य साक्ष्य के आधार पर पुलिस ने महज 48 घंटों में हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया है। दरअसल हत्या की वारदात को गुरुवार सुबह कॉलेज के समीप अंजाम दिया गया था। मृतक गार्ड का नाम तिलक सिंह मूल निवासी भिंड पता चला है। 64 वर्षीय तिलक सिंह इंदौर में किराए से रहता था और बीते 14 सालों से वे इंदौर में रह रहा था। इस जानकारी के अलावा पुलिस के पास अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने के लिए कोई और तथ्य नहीं था। इसके बाद पुलिस को पता चला कि मृतक के एटीएम से 49,000 रुपए हत्या के बाद निकाले गए हैं, जिसके बाद पुलिस ने अरविंदो गेट, गोमटगिरी और मंगल पांडे गेट के एटीएम से रुपए निकालने की जानकारी हासिल की, जिसके बाद आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए तो पता चला कि रुपए निकालने वाला गार्ड का ही साथी भागीरथ पटेल निवासी ग्राम रेवती रेंज निकला। इसके बाद भागीरथ पटेल को गिरफ्तार किया गया। बता दें, अंधे कत्ल का पर्दाफाश करने में पुलिस ने अज्ञात आरोपी पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। इंदौर एसपी पूर्व आशुतोष बागरी ने शनिवार को मीडिया को बताया कि गार्ड की हत्या के मामले में उसका साथ ही गार्ड ही हत्या का आरोपी निकला है और पुलिस पूछताछ में जुटी है। इसमें 11 तारीख को बाणगंगा थाना क्षेत्र में एक एलएन सिटी कॉलेज है, एलएन सिटी कॉलेज के गार्ड तिलक सिंह है, उनकी किसी ने हत्या कर दी थी। ये पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि क्योंकि कोई सुराग जो है समझ में नहीं आ रहा था कि किसने मारा और इसका मोटिव क्या हो सकता है इसके पीछे का। पुलिस ने इस पर बहुत ही तत्परता से काम किया और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल ले गए और जो प्रारंभिक तौर पे जो साक्ष्य मिले पुलिस को उनको पुलिस ने डेवलप किया और इसके बाद ये 48 घंटे के अंदर में पुलिस ने इसका पता लगाया है कि इसमें जो है भागीरथ पटेल है वो भी गार्ड है, इसके साथ में काम करता था, उसने इनकी हत्या की थी। और जो हत्या की मुख्य वजह जो समझ में आती है तो ये भागीरथ पटेल है, इसके ऊपर करीब 1.5 लाख का कर्ज था। ये मुल्तान सागर का रहने वाला है, इसने बेटी की शादी करी थी और कोरोना काल में इसके पिताजी का देहांत भी हो गया था, तो उसमें जो अंतिम क्रियाकर्म है उसमें अंतिम संस्कार है उसमें भी पैसा लगा था। तो इसने जो है अभी एक मोटरसाइकिल बेच करके कुछ कर्ज अपना चुकाया था, लेकिन इसका अभी बहुत सारा कर्ज इसके ऊपर चढ़ा हुआ था। और ये जो मृतक हैं इसमें तिलक सिंह, ये ज्यादा टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं थे, तो इसको अपना एटीएम कार्ड दे देते थे कि पैसे निकालने के लिए, तो इसको जो है ये मालूम था कि इसके खाते में 60-70 हजार रुपए हैं और इसको लेकर के इसने जो है प्लान बनाया और इसका जो है मर्डर कर दिया।